हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ES6 इंटरव्यू क्वेश्चंस सेशन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ES6 इंटरव्यू क्वेश्चंस, देखिए जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। ES6 को हम लोग बोलते हैं इक्मा स्क्रिप्ट 6, यानी कि जावा स्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन। और ES6 आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि अगर आप रिएक्ट जेएस का इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई फ्रंट एंड डेवलपर का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपसे जावा स्क्रिप्ट यानी कि ES6 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप नोड जेएस बैकएंड डेवलपर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अभी आपसे ES6 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप फुल स्टैक का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप टेक लीड फुल स्टैक का भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो भी आपसे ES6 के क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको आना चाहिए। और मेरे सामने स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, ये वो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं। ये रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मेजर एजुकेशन टाइम। इंटरव्यूअर आपसे इस टाइप से पूछ सकता है कि मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रहा है, कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए मैंने यहाँ क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है नॉर्मल सा, दो नंबर ऐड करने का, ठीक है। और नीचे देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने लिखा है कंसोल डॉट टाइम, मतलब पहले टाइम प्रिंट कर देगा। उसके बाद फंक्शन को मैंने कॉल किया है और फिर लिखा है कंसोल डॉट टाइम एंड, तो फिर एंड वाला टाइम लिखेगा। तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि इस फंक्शन ने एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लिया है, मतलब पहले वाला टाइम होगा और एंड वाला टाइम होगा, उसके बीच का डिफरेंस हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसको आपको करके जाना चाहिए। नेक्स्ट, कंपेयर ऑब्जेक्ट वैल्यूज, मतलब ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को कैसे कंपेयर किया जाएगा। देखिए अगर आप OBJ1, ठीक है, मैंने क्या बनाया, OBJ1 और OBJ2। OBJ1 हमारा एक ऑब्जेक्ट है और OBJ2 दूसरा ऑब्जेक्ट है, और दोनों में आप देखिए वैल्यू बिल्कुल सेम डाली हुई है मैंने। अगर मैं यहाँ पे OBJ1 इक्वल OBJ2 करूँगा तो ये कभी मैच नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेफरेंस टाइप होता है। दोनों ऑब्जेक्ट में, मतलब OBJ1 और OBJ2 में, दोनों में अलग अलग एड्रेस होंगे, तो ये इक्वल इसको बताएगा नहीं। इसलिए मैंने क्या किया है, इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई कर लिया, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू हमने निकाल लिए, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो इसको करने से क्या होगा, अब ये वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में क्या डिफरेंस है? देखिए दोनों ही स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं, ठीक है, और कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। आप पहले आप स्क्रीन पे ही देखिए, आउटपुट देखिए, पहले आउटपुट पे मैंने सिंगल कोट्स प्रिंट किया है, दूसरे आउटपुट में डबल कोट्स प्रिंट किया है, फिर सिंगल कोट्स। तो ये जो आप आउटपुट देख रहे हैं उनके ये सारे वेरिएबल्स हैं, और यहाँ मैंने नीचे कंसोल कर रखा है, ठीक है। तो पहले वाले आउटपुट के बारे में बताते हैं। देखिए मान लीजिए मुझे सिंगल कोट्स प्रिंट करना है, तो मैंने क्या कर रखा है, डबल कोट्स लगा दिया फ्रंट और लास्ट में, और सिंगल कोर्स बीच में लगा दिया। और दूसरे वाले में मैंने क्या किया है, सिंगल कोर्स लगा रखा है और बीच में डबल कोर्स लगा दिया है। अब भाई हमें सिंगल कोर्स ही यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर ये बैक स्लैश लगा के करेंगे फिर हम। अब देखिए इसमें हमने डबल कोर्स यूज़ किया तो बैक स्लैश लगाना पड़ा, तो बस यही डिफरेंस है, ये आप उसके सामने करके दिखा दीजिएगा। तो ये है सिंगल कोर्स डबल कोर्स में डिफरेंस। नेक्स्ट, वॉट इज़ द आउटपुट ऑफ द कोड, इस कोड का आउटपुट क्या है। देखिए ये है Array1, मतलब इस ये जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस।
जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो पहले से सोच के बैठता है कि वो आपसे क्या पूछेगा। तो कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले होंगे, जो कि आपके सामने जब आएंगे ना, तो आपको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। वो इस टाइप के होंगे। देखिए इसमें क्या से कन्फ्यूजन हो रहा है, एरे वन में मैंने 1 2 3 डाला है और एरे वन को एरे टू में कॉपी कर लिया है, इसका मतलब दोनों एरे में सेम वैल्यू है, ठीक है, ऐसे ही लग रहा है ना। अच्छा अब क्या है, एरे वन डॉट पुश, इसमें मैंने वैल्यू 4 पुश करी, तो ये तो हमने एरे वन में करी, एरे टू में तो मैंने की नहीं। अब हमने दोनों की लेंथ देखी, लेकिन ये आउटपुट आ गया ट्रू, क्योंकि वैल्यू तो इसमें डाली है 4, तो इसकी लेंथ तो उस हिसाब से 4 हो जानी चाहिए और इसकी लेंथ तो 3 ही रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसने ट्रू क्यों कह दिया, क्योंकि ये है एरे रेफरेंस टाइप। इसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जब हम एरे वन को एरे टू में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एड्रेस कॉपी हो रहा है, वैल्यूज़ नहीं कॉपी हो रही हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है कि जब हम एरे वन में वैल्यू पुश कर रहे हैं, तो एरे टू में भी वही वैल्यू मिल रही है, क्योंकि एड्रेस सेम है, ठीक है, इसीलिए ट्रू हुआ है। नेक्स्ट, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन एरे। अगर मान लीजिए, अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन भी किसी इंटरव्यू में ही पूछा गया है, बट अब ये कंफर्म नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बस एक आपके लिए एक आइडिया है। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू इन एरे, हो सकता है आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बट एक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, एक एरे बनाया हुआ है, एक एरे में मैंने वैल्यू डाली हुई है और मुझे पता करना है कि इस एरे में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे क्या किया है, माई एरे 0 यानी कि 20 की बात हो रही है, तो फर्स्ट वैल्यू को उठा के मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब क्या है, मैंने लेंथ तक लूप चलाया, लेंथ कितनी आएगी 5, यानी कि 1 से लेके 5 तक चलेगा, यानी कि 15 तक चलना स्टार्ट होगा, 0 से नहीं, 1 का मतलब है सेकंड वैल्यू यानी फर्स्ट इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, माई एरे लार्जेस्ट यानी कि 15 जो है, क्या 20 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो ये इसको रन नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब लास्ट लार्जेस्ट नंबर में 20 रह जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ये आई की जगह 2 होगा, यानी लूप में सेकंड नंबर पे आएगा, तो ये 18 मिलेगा, ठीक है, फिर ये 18 को कंपेयर करेगा, इसी तरीके से 20 को कंपेयर करेगा, इसी तरीके से जब लास्ट 23 पे आएगा, तो जब ये 23 से कंपेयर करेगा 20 को, तो ये क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, इस वैल्यू को उठा के इसमें डाल देगा, इस तरीके से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी मिलेगी हमें, 23। तो ये थे हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फ्रेंड्स ट्राई करिए इसको अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो फिनिश होता है, धन्यवाद, बाय बाय।